दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे जीतने के बाद T20 सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला गया और इसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की और अब दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम तैयारी कर रही है, जिससे पहले BCCI ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं BCCI ने क्या ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले, भारतीय टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का सबसे बेहतरीन विकल्प कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 की श्रृंखला खेल रहा है, जिसमें वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की और इसके बाद T20 सीरीज खेली गई। इसके पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और इस मुकाबले में अपना डेब्यू मैच खेल रहे रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिसके बाद दोनों ही टीमें दूसरे मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। और इससे पहले BCCI ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसमें उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव करके सभी क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है और अपनी प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा को रखा है, क्योंकि वो इस टीम के कप्तान हैं और उनका प्रदर्शन लगातार ही बेहतरीन होता जा रहा है। तो वहीं उनका साथ देने के लिए ईशान किशन अगले मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और इसके साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया जा सकता है, जो लगातार ही भारतीय टीम में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं और T20 टीम में अपनी जगह बना ली है, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 IPL सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से लगातार 4 अर्धशतक जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचाया था और हाल ही में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैचों में 4 शतक के साथ 600 से ज्यादा रन बनाकर विराट कोहली, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और इस प्रदर्शन के कारण वनडे और T20 टीम में भी शामिल किया गया है। लेकिन T20 टीम की प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़ जगह नहीं बना पाए, लेकिन अब विराट कोहली की जगह ने मौका दिया जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली लगातार ही बहुत ही बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में विराट कोहली की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को आजमाया जा सकता है। और मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत टीम मैच खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर के तौर पर वेंकटेश अय्यर खेलते हुए दिखेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। इनके अलावा तेज गेंदबाज में दीपक चहर, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार भी खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तीनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। और अंत में स्पिनर के रूप में चहल और रवि बिश्नोई की जोड़ी फिर से खेलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में भी योगदान दिया था। दोस्तों, विराट कोहली की जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।